और इस वक्त की बड़ी खबर, निकाय चुनाव के नतीजों के बीच एक और रोचक खबर सामने आई है। रामनगरी अयोध्या से सामने आई है ये खबर। अयोध्या नगर निगम झूलेलाल वार्ड में हुआ अनोखा मुकाबला। दो प्रत्याशियों को मिले बराबर वोट तो लॉटरी से तय हुआ विजेता। निर्दलीय उम्मीदवार ने बीजेपी प्रत्याशी को लॉटरी के जरिए हरा दिया है। कई जगहों पर वार्ड सदस्य और पार्षद पदों पर करीबी टक्कर देखने को मिली। इस वक्त की बड़ी खबर, लॉटरी के जरिए भी नतीजा सामने आया है निकाय चुनाव में, और ये नतीजा अयोध्या में देखने को मिला। रामनगरी अयोध्या के नगर निगम में झूलेलाल वार्ड में ये अनोखा मुकाबला हुआ, जहां दो प्रत्याशियों को बराबर बराबर वोट मिले तो फिर अधिकारी भी सस्पेंस में आ गए कि आखिर अब कैसे नतीजा तय किया जाए। उसके बाद लॉटरी का सहारा लिया गया और लॉटरी से जब नतीजे देखे गए तो निर्दलीय उम्मीदवार ने बीजेपी प्रत्याशी को हरा दिया। कई जगहों पर इस तरीके के नतीजे देखने को मिल रहे हैं, इस तरीके की टक्कर देखने को मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, निकाय चुनाव के रुझान लगातार सामने आ रहे हैं और रुझानों के बीच चौंकाने वाली खबरें भी सामने आ रही हैं। और रामनगरी अयोध्या से जो मामला सामने आया है, इसने सबको चौंका दिया है। बराबर बराबर वोट दोनों ही उम्मीदवारों को मिले थे, निर्दलीय उम्मीदवार और बीजेपी प्रत्याशी को। इसके बाद काउंटिंग अधिकारी भी सस्पेंस में थे, सकते में थे कि आखिर कैसे नतीजा घोषित किया जाए और किसे विजयी बताया जाए। जिसके बाद लॉटरी का सहारा लिया गया और लॉटरी के जरिए निर्दलीय उम्मीदवार ने बाजी मार ली। बीजेपी उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा है। इस वक्त की बड़ी खबर निकाय चुनाव से जुड़ी हुई। निकाय चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं, उन नतीजों ने चौंकाया है। कई जगह सपा को झटका लगा है, कई जगह बीजेपी को झटका लगा है और कई जगह निर्दलियों ने अपनी झंडा बरदारी कायम की है। तो निर्दलीय उम्मीदवारों ने जिस तरीके से जीत हासिल की है वो काबिले तारीफ है। और अयोध्या के झूलेलाल वार्ड में जो मुकाबला देखने को मिला वो अब सुर्खियों में है। दो प्रत्याशियों को बराबर के वोट मिले, उसके बाद लॉटरी का सहारा लिया गया और लॉटरी से फिर विजेता तय किया गया, जिसमें निर्दलीय उम्मीदवार ने बीजेपी उम्मीदवार को हरा दिया और निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत का परचम लहराया है। Thank you.